पर गाडरवारा कौड़िया से सरपंच ने किया स्कूल का औचक निरीक्षण। स्व सहायता समूह में मध्यान्ह भोजन बनाने में चूल्हे का सहारा, समूह की महिला स्कूल के बच्चे धुए से त्रस्त। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कौड़िया का सरपंच संतोष मेहरा के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ अध्ययन कार्य सुचारू रूप से और शिक्षकों की पूर्ण उपस्थिति पाई गई। वहीं बच्चों से विषय संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका संतुष्ट जवाब दिया गया। वहीं माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन गुणवत्ता का निरीक्षण किया तो मेन्यू बार भोजन दिया जा रहा है। वहीं भोजन गैस चूल्हे की जगह लकड़ी के चूल्हे से बनाया जा रहा है। इस बात पर जब समूह की महिलाओं से हमारे संवाददाता ने पूछा तो ज्ञात हुआ कि 2 सिलेंडर हैं, लेकिन 1 सिलेंडर का पता नहीं, 1 सिलेंडर से काम नहीं होता तो लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाते हैं, जबकि सरकार के द्वारा सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। भवन में धुएं की उचित निकासी नहीं है, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। बच्चों को भी धुएं बैठा कर भोजन कराया जाता है। वहीं उचित पीने के पानी निकासी की उचित व्यवस्था, प्ले ग्राउंड आदि, जिसमें बच्चों को परेशानी होती है। वहीं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने इन समस्याओं का निदान करने को सरपंच को कहा। वहीं सरपंच ने इन समस्याओं का शीघ्र निदान कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सरपंच संतोष मेहरा, पंचायत प्रतिनिधि नागेंद्र रघुवंशी, मिलन जरोलिया, प्रभारी प्राचार्य सतीश रघुवंशी, ग्रामीण शिक्षक गण उपस्थित रहे। जिसमें शाला की ओर से मैं प्रभारी प्राचार्य मिलन जारोलिया ये कहना चाहता हूँ कि शाला में कुछ कोरोना के दौरान 3 या 4 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अगर संभव हो तो उनका जीर्णोद्धार किया जाए और प्लेग्राउंड जो बच्चों के लिए उसका लेवलीकरण, उसका समतलीकरण हो जाए ताकि बच्चों को असुविधा ना हो खेलने में। और मध्यान्ह भोजन जो है थोड़ा सा पंचायत तरफ से जो निर्माण हुआ पिछले पंचवर्षीय में वो छोटा है, अगर उसमें संभव हो तो थोड़ा सा वो जगह पर होकर वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाए, तो छोटी सी 2-3 समस्याएं हैं, बाकी सब ठीक है। और जो क्लासरूम आपके हैं जिनका फर्श आपका डैमेज हो गया है तो उसके बाद उस फर्श को पिछले वर्ष रिपेयर कराया गया था जनवरी में, लेकिन अब पुनः फिर से वो चलने के दौरान बच्चों से या फिर उसको झाड़ू लगाने के दौरान ऊपर की जो फर्श की वो है परत वो निकल जाती है, उसको पुनः कराया जाना है। अगर किसी प्रकार का कोई सहयोग पंचायत संभव हो तो प्रदान किया जाए, नहीं तो शाला स्तर पर जितना होगा उतना किया जाएगा। सर तो मैंने यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था देखी और जो टीचर हैं उनसे बात की और जो बच्चे हैं उनसे भी बात की, तो यहाँ पढ़ाई में तो जो बच्चे हैं उनके हिसाब से व्यवस्था ठीक है। सभी शिक्षक अपना अपना पीरियड ले रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, उनके रिस्पॉन्स अच्छे मिले हैं और सभी जो सर लोग हैं वो भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो व्यवस्था देखी गई, क्योंकि स्कूल में साफ सफाई की जो व्यवस्था है, यहाँ पे 4 कर्मचारी हैं उनके माध्यम से हर कक्षा की सफाई व्यवस्थित नहीं हो पाई है। और यहाँ पे जो मध्यान्ह भोजन है, मध्यान्ह भोजन जो चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी का कहना है कि उज्ज्वल योजना जो चल रही है उसके उद्देश्य कि धुआं ना हो, लेकिन यहाँ के जो स्व सहायता समूह के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि भैया वो गैस से हम लोग नहीं बना पाएंगे और वो अपना मनमानी तौर से लकड़ी के माध्यम से भोजन बना रहे हैं, जिससे वहाँ बनाने वालों को भी दिक्कत आ रही है और पूरा जो भवन है वो पूरा धुएँ से काला करके रख दिया है। तो ये हमने उनसे बात भी की है, संभवतः वो उस पर भी वो करने वाले हैं कि हम लोग गैस टंकी से ही बनाएंगे। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।